तो अगर आप लोगों का बजट है 25,000 का एंड आप लोग देख रहे हो कोई गेमिंग फोन या फिर कोई बहुत ही बढ़िया पैकेज वाला फोन या फिर कोई नॉन चाइनीज फोन, मतलब आपकी जो भी प्रायोरिटी है, मैं आपको आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से बताने वाला हूँ कि कौन सा आप लोगों के लिए बेस्ट फोन रहने वाला है अंडर 25,000। हेलो सुल्तान, मेरा नाम है केशव। आज के इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को पांच बहुत ही बढ़िया फोन बताने वाला हूं जो आपको अंडर 25,000 मिल जाते हैं। एंड कुछ फोन अपने पे ऐसे भी है जो आपको भाई एक पर्टिकुलर चीज के अंदर बीस्ट मिलता है। जैसे अगर आप लोगों की प्रायोरिटी गेमिंग है तो गेमिंग के अंदर आपको बीस्ट मिल जाएंगे। एंड कुछ फोन ऐसे जो मतलब बैटरी मॉन्स्टर हो, मतलब हर डिफरेंट टाइप के भी फोन है एंड एक पैकेज फोन भी अपने पास है। तो आपकी जो भी रिक्वायरमेंट रहने वाली है आपको उसके हिसाब से बेस्ट फोन मिलने वाला है। तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को अपने फ्रेंड का शेयर कर लेना, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना। अब करते हैं इस वीडियो को जल्दी से स्टार्ट। तो भी ज्यादा टाइम को वेस्ट ना करते हुए चल लेते अपने लिस्ट के फिफ्थ फोन की तरफ। तो हमारे जो लिस्ट का फिफ्थ फोन आता है वो आता है सैमसंग गैलेक्सी M51 एंड ये आपको एक नॉन चाइनीज फोन मिल जाता है एंड सैमसंग की तरफ से वन ऑफ द बेस्ट वैल्यू फॉर मनी फोन बोल सकता हूँ मैं इसको। काफी सही पैकेज आपको मिल जाता है, मतलब काफी सही फोन मेरे को ये लगता है। तो भी शुरुआत करते हैं अपने सैमसंग गैलेक्सी M51 के डिस्प्ले एंड डिजाइन से। तो इधर आपको एक बड़ी डिस्प्ले मिलती है, इधर आपको 6.7 इंचेस का सुपर एमोलेड प्लस पैनल मिलता है जो आपको फुल एचडी प्लस का मिलता है। इधर आपको स्टैंडर्ड 60 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिलता है, इधर आपको काफी कम बेजल्स मिल जाते हैं, इधर आपको पंच होल मिलते हैं जो आपको बैक मिलते हैं प्लास्टिक के मिलते हैं। डिजाइन काफी सिंपल सा आपको इस फोन का मिलता है, मतलब डिजाइन वाइज इतना कुछ खास मेरे को लगा नहीं। वही बात करते हैं कैमरे की, तो इस फोन में आपको बैक साइड के अंदर चार कैमरे मिलते हैं एंड चारों काफी यूजफुल आपको कैमरे मिलते हैं। जो आपको प्राइमरी कैमरा मिलता है आपको 64 मेगापिक्सल का मिलता है, जो आपको सोनी IMX682 का सेंसर मिलता है प्लस 12 मेगापिक्सल अल्ट्रावाइड प्लस 5 मेगापिक्सल मैक्रो शॉट प्लस 5 मेगापिक्सल डेप्थ सेंसिंग के लिए। इधर आप लोग 4K रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, इधर आपको मतलब सैमसंग के काफी सारे फीचर्स वगैरह मिल जाते हैं सिंगल टेक जैसे। वही बात करते हैं सेल्फी की, इधर आपको 32 मेगापिक्सल की सेल्फी मिलती है, जो आपको सोनी का सेंसर मिलता है सोनी IMX616 का एंड इधर भी आप लोग 4K रिकॉर्डिंग कर सकते हो। वही बात करते हैं प्रोसेसर की, तो इधर आपको स्नैपड्रैगन का 730G का प्रोसेसर मिलता है, जो आपको 8nm का प्रोसेसर मिलता है, ऑक्टा कोर का प्रोसेसर है, एड्रिनो का 618 का आपको GPU मिलता है। वैसे सैमसंग का आपको एक फोन और भी मिल जाता है सैमसंग गैलेक्सी F62 जिसमें आपको ऑलमोस्ट सारी चीजें सेम मिलती है बट वहां पे प्रोसेसर का फर्क है। तो अगर आप लोग को कोई फ्लैगशिप टाइप का प्रोसेसर चाहिए तो आप लोग जा सकते हो सैमसंग गैलेक्सी F62 की तरफ। बट आपको पता भाई मतलब एक्सिनोस के जो फ्लैगशिप प्रोसेसर मतलब जितने भी रहे हैं पहले के, उनमें एक टाइम के बाद थर्मल थ्रोटलिंग का इशू आ जाता है एंड आपको कंसिस्टेंस परफॉर्मेंस नहीं मिलती। तो मेरे को कंसिस्टेंस परफॉर्मेंस ज्यादा प्रायोरिटी मैंने दिया उसको, तो इस वजह से मैंने यहां पर सैमसंग गैलेक्सी M51 को ऐड करा है क्योंकि स्नैपड्रैगन के प्रोसेसर मतलब स्नैपड्रैगन 730G जो है वो भाई आपको काफी कंसिस्टेंस परफॉर्मेंस प्रोवाइड करने वाला है एंड आपको परफॉर्मेंस में कोई भी डाउनफॉल नहीं मिलने वाला सैमसंग गैलेक्सी F62 की तरह। वही बात करते हैं बैटरी की, तो उधर भाई आपको काफी तगड़ी बैटरी मिलती है, 7000mAh की बैटरी मिलती है, टाइप सी का पोर्ट मिलता है, फोन आपकी 25W की मतलब स्टैंडर्ड से थोड़ी सी बढ़िया चार्जिंग सपोर्ट करता है एंड आपको इतना ही चार्जर बॉक्स के अंदर मिल जाता है। बात करते हैं फोन के कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स की, तो इधर आपको 3.5mm का जैक मिल जाता है, एंड्रॉइड 10 आउट ऑफ द बॉक्स मिल जाता है, वन यूआई 2.1 मिल जाता है, एनएफसी मिल जाता है, नॉक सिक्योरिटी का लाइट वर्जन मिल जाता है, फेस अनलॉक ऑप्शन मिल जाता है, साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर मिल जाता है, वाइल्ड वेल L1 मिल जाता है, सारी सेंसर वगैरह मिल जाते हैं, गोरिल्ला ग्लास 3 की प्रोटेक्शन, GCam का सपोर्ट, LPDDR4X आपको रैम टाइप मिल जाती है, UFS 2.1 का स्टोरेज टाइप मिल जाता है एंड इधर आपको डेडिकेटेड स्टोरेज भी मिल जाता है। वही बात करते हैं वेरिएंट एंड प्राइस की, तो इस फोन के अंदर आप लोगों को 6GB की रैम 128GB की रोम मिलते हैं 21,000 के प्राइस पे एंड 8GB की रैम 128GB की रोम मिल जाती है 23,000 के प्राइस पे। तो अगर आप लोगों को सैमसंग का कोई फोन चाहिए, इधर आपको स्नैपड्रैगन का प्रोसेसर चाहिए, इधर आपको कंसिस्टेंस परफॉर्मेंस चाहिए, तो आप लोग जा सकते हो सैमसंग गैलेक्सी M51 की तरफ। वहीं अगर आप लोग को थोड़ा सा फ्लैगशिप वाला प्रोसेसर चाहिए बट आपको कंसिस्टेंस परफॉर्मेंस से इतना मतलब नहीं है, मतलब गेमिंग के लिए वो इतना सुटेबल फोन नहीं है सैमसंग गैलेक्सी F62, बाकी डे टू डे टास्क को अगर आप लोग इजिली कर सकते हो तो आप देख सकते हो कि आपके हिसाब से कौन सा बढ़िया फोन रहने वाला है। बाकी मैं होता तो मैं इधर सैमसंग गैलेक्सी M51 को पिक करता। तो अभी चल लेते अपने लिस्ट के फोर्थ फोन की तरफ। तो हमारे जो लिस्ट का फोर्थ फोन आता हुआ था Mi 10i एंड Mi 10i को हम लोगों ने इसलिए ऐड करा है क्योंकि इस फोन में आपको 5G मिलता है, अदरवाइज आप लोग Redmi Note 10 Pro Max की तरफ जा सकते हो क्योंकि इधर आपको सुपर एमोलेड का पैनल वगैरह मिल जाता है एंड आपको ज्यादा वैल्यू फॉर मनी मिलता है Redmi Note 10 Pro Max। बट कमी यही है कि उसके अंदर आपको 4G मिलता है एंड Mi 10i के अंदर आप लोगों को 5G मिलता है। तो वही बात करते हैं अपने Mi 10i के डिस्प्ले एंड डिजाइन की, तो उधर आप लोग को 6.67 इंच का फुल HD प्लस का IPS पैनल मिलता है, इधर आपको 120Hz का रिफ्रेश रेट मिलता है, इधर आपको पंच होल मिलती है, बैक साइड में आपको चार कैमरे मिल जाते हैं एंड जो आपको बैक मिलता है ग्लास
की मिलते हैं, एंड काफी प्रीमियम इस फोन का डिजाइन है, मतलब इन हैंड फील वगैरह भी आपको अच्छी मिल जाती है, तो ओवरऑल दिखने में ये फोन आपको काफी बढ़िया मिलता है। वहीं बात करते हैं कैमरे की, इस फोन में आपको बैक साइड में 4 कैमरे मिलते हैं, 108 मेगापिक्सल जो आपको सैमसंग का HM2 वाला सेंसर मिलता है, प्लस 8 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड, प्लस 2 मेगापिक्सल डेप्थ सेंसिंग एंड 2 मेगापिक्सल मैक्रो शॉट के लिए। यहाँ पर आप लोग 4K रिकॉर्डिंग कर सकते हो। बात की जाए सेल्फी की, तो उधर आपको 16 मेगापिक्सल की सेल्फी मिलते हैं, सेल्फी से आप लोग फुल HD के अंदर वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो। वहीं बात करते हैं प्रोसेसर की, तो उधर आपको स्नैपड्रैगन का 750G का प्रोसेसर मिलता है, जो आपको 5G प्रोसेसर मिलता है, 8nm का प्रोसेसर, ऑक्टा कोर का प्रोसेसर है, एड्रिनो का 619 का आपको GPU मिलता है। बात करते हैं बैटरी की, तो उधर आप लोग को 4820mAh की बैटरी मिलती है, टाइप सी का पोर्ट मिला, फोन आपकी 33W की फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करता है, एंड आपको इतना ही चार्जर बॉक्स के अंदर मिलता है। बात करते हैं फोन के कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स की, तो उधर आपको 3.5mm का जैक मिल जाता है, एंड्रॉइड 10 आउट ऑफ द बॉक्स मिल जाता है, MIUI 12 आउट ऑफ द बॉक्स मिल जाता है, गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन फ्रंट बैक दोनों पे मिल जाते हैं, स्टीरियो स्पीकर मिल जाता है, हाइब्रिड सिम स्लॉट मिलता है, वाइल्ड L1 मिल जाता है, कैमरा 2 पे मिल जाता है, साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर मिल जाता है, सारे बेसिक सेंसर वगैरह मिल जाते हैं, LPDDR4X आपको रैम टाइप मिल जाती है, OFS 2.2 का स्टोरेज टाइप मिल जाता है, फेस अनलॉक का ऑप्शन मिल जाता है, IP53 की रेटिंग मिल जाती है, IR ब्लास्टर मिल जाता है, एंड इधर आपको 5G के 2 बैंड मिलते हैं, एंड इधर आपको HDR10 का भी सपोर्ट मिल जाता है। बात करते हैं वेरिएंट एंड प्राइस की, तो इस फोन के अंदर आप लोगों को 8GB की रैम 128GB की रोम मिल जाती है 24,000 के प्राइस पे। तो मैंने आप लोग को ऑलरेडी बता दिया, अगर आप लोग को एक मतलब बढ़िया प्रोसेसर के साथ एक 5G फोन चाहिए तो आप लोग Mate 10i की तरफ जा सकते हो, वही अगर आप लोग को 4G 5G से फर्क नहीं पड़ता तो आप लोग Redmi Note 10 Pro Max को ले लो आंख बंद करके, वो आपको बहुत ज्यादा वैल्यू फॉर मनी मिलता है अगर आप लोग उसको Mate 10i से कंपेयर करते हो। तो वहीं चल लेते अपने लिस्ट के थर्ड फोन की तरफ। तो हमारी जो लिस्ट का थर्ड फोन आता है वो आता है Realme X3 Super Zoom। शुरुआत करते हैं डिस्प्ले डिजाइन से, तो इधर आप लोग को 6.6 इंचेस का फुल HD प्लस का IPS पैनल मिलता है, इधर आपको 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिलता है, इधर आपको डुअल पंच होल मिलते हैं, जो आपको बैक मिलता है ग्लास के मिलते हैं, बैक साइड में आपको 4 कैमरे मिलते हैं, एंड इस फोन का डिजाइन काफी ज्यादा अट्रैक्टिव या फिर वन ऑफ द फेवरेट बोल सकता हूं मैं, मतलब मेरे को काफी सही लगा इस फोन का डिजाइन। वहीं बात करते हैं कैमरे की, तो इस फोन में आपको बैक साइड में 4 कैमरे मिलते हैं, 64 मेगापिक्सल प्लस 8 मेगापिक्सल पेरिस्कोप टेलीफोटो, जहां पर आप लोग को OIS भी मिलता है, एंड यहां पर आप लोग 5x ऑप्टिकल जूम भी कर सकते हो। वहीं बात करते हैं तीसरे कैमरे की, तो इधर आप लोगों को 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड मिल जाता है, एंड 2 मेगापिक्सल का मैक्रो शॉट मिलता है। बात करते हैं सेल्फी की, तो इधर आपको 32 मेगापिक्सल प्लस 8 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड की सेल्फी मिलती है। प्रोसेसर की बात करते हैं, इधर आप लोग को स्नैपड्रैगन का 855 प्लस का प्रोसेसर मिलता है, जो कुछ 7nm का प्रोसेसर मिलता है, ऑक्टा कोर का प्रोसेसर है, एड्रिनो का 640 का आपको GPU मिलता है। बात करते हैं बैटरी की, तो इधर आपको 4200mAh की बैटरी मिलती है, टाइप सी का पोर्ट मिलता है, फोन आपकी 30W की फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करता है, एंड आपको इतना चार्जर बॉक्स के अंदर मिलता है। बात करते हैं फोन की कुछ फीचर्स की, तो इधर आपको थोड़ी सी बेकार चीज मिलती है, इधर आपको 3.5mm का जैक नहीं मिलता, इधर आपको साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर मिल जाता है, इधर आपको फेस अनलॉक का ऑप्शन मिल जाता है, सारे सेंसर मिल जाते हैं, इधर आपको मेमोरी कार्ड के लिए कोई भी स्लॉट नहीं मिलता, UFS 3.0 का स्टोरेज टाइप मिल जाता है, गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन मिल जाती है, एंड्रॉइड 10 आउट ऑफ द बॉक्स मिल जाता है, रियलमी का खुद का UI मिल जाता है, लिक्विड कूलिंग टेक्नोलॉजी मिल जाती है, एंड वाइल्ड L1 मिल जाता है, कैमरा 2 API जैसे आपको सारे बेसिक फीचर्स वगैरह मिल जाते हैं। तो वही बात करते हैं वेरिएंट एंड प्राइस की, तो इस फोन में आपको 8GB की रैम 256GB की रोम मिल जाती है 24,000 के प्राइस पे, यानी कि अच्छा खासा स्टोरेज एंड अच्छी खासी रैम मिल जाती है। बट कमी है कि इस फोन के अंदर आप लोग को मतलब 3.5mm का जैक भी नहीं मिलता, एंड आपको 5G फोन भी नहीं मिलता ये। तो वहीं चल लेते हैं अभी अपने लिस्ट के सेकंड फोन की तरफ। तो हमारी जो लिस्ट का सेकंड फोन आता है वो आता है वन ऑफ द बेस्ट गेमिंग फोन, मतलब हम लोग बात कर रहे हैं इधर iQOO 3 की। बाकी मैं आपको थोड़ा सा आगे इसके बारे में बताऊंगा, तो मतलब ये वाला फोन तो जरूर लास्ट तक देख लेना, क्योंकि अगर आप लोग iQOO 3 को लेने का सोच रहे हो तो एक बार मतलब एंड तक जरूर देख लेना। तो वही बात करते हैं डिस्प्ले एंड डिजाइन की, तो उधर आप लोग को 6.44 इंचेस का फुल HD प्लस का सुपर एमोलेड पैनल मिलता है, इधर आपको कोई हाई रिफ्रेश रेट नहीं मिलता है, इधर आपको स्टैंडर्ड 60Hz का पैनल मिलता है। वहीं इधर आप लोग को पंच होल मिलते हैं, जो आपको बैक मिलता है ग्लास के मिलते हैं, बैक साइड में आपको 4 कैमरे मिल जाते हैं। वहीं चलते कैमरे डिपार्टमेंट की तरफ, इधर आपको जो प्राइमरी कैमरा मिलता है आपको 48 मेगापिक्सल का मिलता है, प्लस 13 मेगापिक्सल टेलीफोटो, जहां पर आप लोग 20x जूम कर सकते हो, प्लस 13 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड जिससे आप लोग मैक्रो शॉट भी ले सकते हो, प्लस 2 मेगापिक्सल डेप्थ सेंसिंग के लिए। यहां पर आप लोग मैक्स 4K रिकॉर्डिंग कर सकते हो। बात की जाए सेल्फी की, तो उधर आप लोग को 16 मेगापिक्सल की सेल्फी मिलती है। बात करते हैं प्रोसेसर की, तो उधर आपको स्नैपड्रैगन का 865 का प्रोसेसर मिलता है, जो आपको 7nm का मिलता है, ऑक्टा कोर का प्रोसेसर है, एड्रिनो का 650 का आपको GPU मिल जाता है। वैसे जिस फोन का मैं आपको प्राइस बताऊंगा वो हम 4G वाले वेरिएंट की बात करेंगे, iQOO
को 3G, 4G एंड 5G दोनों अलग अलग मॉडल आते हैं इस फोन के। वही बात करते हैं बैटरी की, तो इधर आप लोग को 4400mAh की बैटरी मिल जाती है। फोन आपकी 55W की फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करता है एंड आपको फास्ट चार्जर बॉक्स के अंदर मिलता है एंड टाइप सी का पोर्ट वगैरह तो आपको मिल ही जाता है। वही बात करते हैं फोन के कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स की, तो इधर आपको काफी सही चीज मिलती है। इधर आपको 3.5mm जैक मिल जाता है, इधर आपको मेमोरी कार्ड के लिए स्लॉट नहीं मिलता, एंड्रॉइड 10 आउट ऑफ द बॉक्स मिल जाता है, आईक्यू का खुद का यूआई मिल जाता है, गोरिल्ला ग्लास 6 की प्रोटेक्शन फ्रंट बैक दोनों पर मिल जाती है, सारे सेंसर वगैरह मिल जाते हैं, HDR 10 प्लस का सपोर्ट मिल जाता है, एंड्रॉइड डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैन मिल जाता है, फेस अनलॉक का ऑप्शन मिल जाता है, LPDDR 5 आपको रैम टाइप मिल जाती है, UFS 3.1 का स्टोरेज टाइप मिल जाता है, इधर आपको ट्रिगर्स वगैरह भी मिल जाता है जो काफी सही चीज है, एंड इधर आपको 180 हर्ट्ज़ का टच रिस्पॉन्स रेट भी मिलता है। बात करते हैं वेरिएंट एंड प्राइस की, तो इस फोन में आपको 8GB की रैम 128GB की रोम मिलती है 30,000 के प्राइस पे। बट अभी आप लोग एक बात सुनो मेरी, अगर आप लोगों को ये फोन 30,000 पे मिल रहा है तो बिल्कुल भी मत लेना इस फोन को, क्योंकि इससे बड़ी आप लोग आईक्यू 7 की तरफ चले जाओ जिसका प्राइस आप लोगों को शायद 32,000 का मिल रहा है। मतलब 2,000 एक्स्ट्रा पे करने पे आपको काफ़ी सारी चीज़ें बढ़िया बढ़िया मिलने वाली है, जैसे कि 5G वगैरह मिल जाएगा, हाई रिफ्रेश रेट वगैरह, मतलब काफ़ी सारी बढ़िया बढ़िया चीज़ें आपको मिल जाएगी आईक्यू 7 के साथ। आईक्यू 3 को आप लोग अंडर 25,000 ही परचेज करना, कोई सेंस नहीं बनती अगर आप लोग आईक्यू 3 को 30,000 पे परचेज करोगे तो। सही पकड़े हैं। तो अभी चल लेते अपने लिस्ट के फर्स्ट फोन की तरफ। वैसे अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर दो, एंड सोशल मीडिया इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो हमारी जो लिस्ट का फर्स्ट फोन आता है वो आता है रियलमी X50 Pro। वैसे ना जितने भी फोनों के बारे में हमने अभी तक बताया, मतलब जितने मैंने आप लोगों को, वैसे मतलब 5 फोन बताया बट मैंने आप लोगों को ऑलमोस्ट 7 से 8 फोन के बारे में बता दिया, क्योंकि मैंने आपको उसका सब्स्टिट्यूट भी बता रखा है। तो ये जितने भी फोन हमने कवर करे हैं इनसे रिलेटेड जितनी भी वीडियो है मेरे चैनल पे, उन सबका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, जिस वीडियो मैंने आप लोगों को इन फोन के बारे में डिटेल में बताया हुआ है, क्योंकि भाई मतलब जल्दी खत्म करनी होती है वाली वीडियो, वरना आप लोग ही कहते हो काफी लंबी हो जाती है वीडियो। तो अगर आप लोगों को डिटेल में जानना है तो उन वाली वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड इंडिया का फर्स्ट 5G फोन भी था, तो एक चीज मैंने आप लोग एडिशनल बता दी। वही बात करते हैं डिस्प्ले एंड डिजाइन की, तो इधर आप लोगों को 6.44 इंचेस का फुल HD प्लस का सुपर एमोलेड पैनल मिलता है, इधर आपको 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिलता है, इधर आपको डुअल पंच होल मिलते हैं जो आपको बैक मिलते हैं, ग्लास के मिलते हैं, बैक साइड में आपको 4 कैमरे मिलते हैं। वही चलते हैं कैमरा डिपार्टमेंट की तरफ, तो इधर आपको जो प्राइमरी कैमरा मिलता है आपको 64 मेगापिक्सल का मिलता है, जो आपको सैमसंग का GW1 वाला सेंसर मिलता है, प्लस 12 मेगापिक्सल टेलीफोटो, प्लस 8 मेगापिक्सल मैक्रो शॉट जिससे आप लोग अल्ट्रा वाइड वगैरह भी कर सकते हो, एंड यहाँ पर आप लोगों को 2 मेगापिक्सल की डेप्थ सेंसिंग मिलती है। वहीं बात करते हैं रिकॉर्डिंग की, तो इधर आप लोग 4K रिकॉर्डिंग 60fps पे कर सकते हो। सेल्फी की बात करते हैं तो इधर आपको 32 मेगापिक्सल प्लस 8 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड की सेल्फी मिलती है। बात करते हैं प्रोसेसर की, तो इधर आप लोगों को स्नैपड्रैगन का 865 का प्रोसेसर मिलता है, जो आपको 7nm का प्रोसेसर मिलता है, ऑक्टा कोर का प्रोसेसर, 18 का 650 का आपको GPU मिलता है, एंड ये फोन आपको 5GB मिल जाता है। वहीं बात करते हैं बैटरी की, तो इधर आपको थोड़ी सी कम बैटरी मिलती है, 4200mAh की बैटरी मिलती है, 65W की आपकी फोन फास्ट या सुपर फास्ट चार्जिंग मैं बोल सकता हूं वो सपोर्ट करते हैं, एंड आपको इतना ही चार्जर बॉक्स के अंदर मिलता है, इधर आपको टाइप सी का पोर्ट भी मिलता है। बात करते हैं फोन के कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स की, तो इधर आपको 3.5mm का जैक नहीं मिलता, बेसिक सारे सेंसर मिल जाते हैं, एंड्रॉइड डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैन मिल जाता है, फेस अनलॉक ऑप्शन मिल जाता है, स्टीरियो स्पीकर मिल जाते हैं, UFS 3.0 का स्टोरेज टाइप मिल जाता है, एंड्रॉइड 11 का इधर आपको अपडेट मिल चुका है, एंड रियलमी UI 2.0 भी इधर आपको मिल जाता है, HDR 10 प्लस का सपोर्ट मिल जाता है, गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन फ्रंट बैक दोनों पर मिल जाती है, एल्यूमिनियम का फ्रेम भी मिल जाता है, इधर आपको मेमोरी कार्ड के लिए कोई भी स्लॉट नहीं मिलता, इधर आपको 5G के 2 बैंड मिलते हैं, तो ये थोड़ी सी मतलब बेकार चीज है कि इधर आपको 2 ही बैंड मिलते हैं, बाकी इधर आप लोगों को LPDDR 5 रैम टाइप मिल जाते हैं, वाइड वेल L1 मिल जाता है, कैमरा टू API जैसे आपको सारी बेसिक फीचर मिल जाते हैं। बात करते हैं वेरिएंट एंड प्राइस की, तो इस फोन में आपको 8GB की रैम 128GB की रोम मिल जाते हैं 25,000 के प्राइस पे। तो अगर आप लोग ओवरऑल देख रहे हो कि भाई आपको कौन सा बढ़िया पैकेज मिल जाता है, तो मैं बोलूंगा आप लोग को रियलमी X50 Pro की तरफ चला जाना चाहिए, क्योंकि भाई आपको काफी सही पैकेज मिल जाता है। बाकी अगर आप लोग को ट्रिगर्स वगैरह चाहिए तो आप लोग आईक्यू 3 की तरफ जा सकते हो, वो फोन भी काफी सही मिलता है, एंड अगर आप लोग को सैमसंग का कोई फोन चाहिए तो आप लोग सैमसंग गैलेक्सी M51 या F62 की तरफ जा सकते हो, एंड अगर आप लोग को जूम वगैरह ज्यादा करना होता है, मतलब आप लोग को ऐसे दूर के दर्शन करना है, तो आप लोग रियलमी X3 सुपर जूम की तरफ जा सकते हो, एंड अगर आप लोग को एक 5G फोन चाहिए अच्छे खासे कैमरे वगैरह के साथ तो आप लोग जा सकते हो Mi 10i की तरफ। बाकी मेरे को कोई एक फोन पिक करना होता तो मैं इधर रियलमी X50 Pro को पिक करता। बाकी आप लोग आईक्यू 7 भी ले सकते हो अगर आप लोग अपना बजट एक्सटेंड कर सकते हो, अगर आप लोग की प्रायोरिटी गेमिंग है तो। अभी आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बताओगे भाई आपको कौन सा फोन बढ़िया लगा, बाकी आपके कुछ भी अलावा अगर आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बता सकते हैं, एंड अगर आप लोग को वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर दो, तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी मिलते हैं कल की किसी बढ़िया वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।